हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्री शाला बाय सेंट्री स्टडी, आपका वेल्थ पार्टनर। माय नेम इज अनुज एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अनलिस्टेड वर्सेस लिस्टेड इक्विटीज एज एन एसेट क्लास। एक जो इन्वेस्टर है वो दो तरीके से इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सबसे पहले वो इक्विटीज़ जो लिस्टेड हैं, एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, वो खरीद सकता है डीमैट के जरिए। और दूसरे तरीके से जो अनलिस्टेड इक्विटीज़ हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन ये देखा गया है कि इन्वेस्टर्स को, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को, ज़्यादा नहीं पता है अनलिस्टेड के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि अनलिस्टेड इक्विटीज़ कौन सी होती हैं, लिस्टेड कौन सी होती हैं, उनके डिफरेंस को देखेंगे, उनके प्राइस, लिक्विडिटी, रिस्क, रिटर्न, सारी चीज़ें समझेंगे। और फिर लास्ट में हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि जो अनलिस्टेड इक्विटीज़ सबसे पहले, जिनके IPOs आने से पहले जो अपॉर्चुनिटीज़ थी मार्केट में और जो सक्सेस स्टोरीज़ हुई हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद हम बताएंगे अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं अनलिस्टेड इक्विटी स्पेस में। और डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ हमारे बिजनेस हेड हैं मिस्टर फराज। तो वेलकम सर, वेलकम टू सेंट्री शाला। थैंक यू अनुज। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन सर यही है, आप थोड़ा सा बताएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिस्टेड एंड अनलिस्टेड इक्विटी। और उसके बाद थोड़ा सा कि ये मतलब एक रिटेल इन्वेस्टर जो है वो अनलिस्टेड की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव क्यों नहीं है। जी, डिफरेंस इन लिस्टेड एंड अनलिस्टेड अगर मुझे एक लफ्ज में बोलना पड़े तो आंसर है लिक्विडिटी। जी, लिक्विडिटी, बिकॉज एक आपकी नॉर्मल लिस्टेड इक्विटी जो हम लोग कहते हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गई, आपकी HDFC बैंक हो गई, SBI, जो बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, चाहे वो लार्ज कैप हो, वो एक्सचेंज में आपके लिस्टेड हैं, NSE या BSE में। आप एक क्लिक ऑफ अ बटन में आप उसको खरीद सकते हैं और एक क्लिक ऑफ अ बटन में आप उसको बेच सकते हैं। बस यही डिफरेंस है। ओके, मेन जो आपका डिफरेंस है अनलिस्टेड इक्विटी में, क्योंकि अनलिस्टेड एज द नेम सजेस्ट, ये अभी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुए हैं, ये नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। सो बेसिकली अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि पहले अगर आपको याद हो तो फ्लोर ट्रेडिंग होती थी। हाँ जी। तो इट इज़ समवॉट लाइक फ्लोर ट्रेडिंग, जहाँ पे आपके शेयर्स जिसको खरीदना हो या उसको बेचना हो वो अरेंजर्स होते हैं बीच में। ओके। और वो आपके बायर और सेलर को आमने सामने ले आते हैं और जिसको खरीदना है वो खरीद लेता है, जो सेल करना होता है वो सेल कर देता है। ठीक है। सो लिक्विडिटी ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी अनलिस्टेड में है नहीं, अनलिस्टेड में भी लिक्विडिटी होती है, बट वहाँ पे जैसे लिस्टेड इक्विटी के अंदर एक क्लिक ऑफ अ बटन में या एक फोन कॉल पे आपने बेच दिया, ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कुछ समय लग सकता है कि बिकॉज बाय, अगर सेलर है तो बायर अरेंज करना है, अगर बायर है तो सेलर अरेंज करना है, इसका वक्त लग सकता है। okay. दूसरा आपको ये समझना है कि लिस्टेड अनलिस्टेड इक्विटी के अंदर क्या डिफरेंस है। बाकी मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट। वो अब वो बिजनेस, जैसे आप एक लिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं फॉर अ कंपनी कि यहाँ पे प्राइस मूवमेंट होगा क्योंकि ग्रोथ है, बहुत सनशाइन सेक्टर है या बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है या डिफेंसिव सेक्टर है, यही सब चीज़ें आपको अपना अंडरस्टैंड, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक आपको स्टडी करना चाहिए अनलिस्टेड करने के लिए। ओके। जो काफ़ी हद तक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। Okay. एक पूरे कॉन्सेप्ट नोट्स हम लोग लाते हैं जिसके अंदर कुछ नहीं है, दे आर नो सजेशंस और दे आर नो एडवाइसेस, दे आर ओनली फैक्ट्स। ओके। कि अगर एक कंपनी है NSE, आप जानते होंगे NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और टॉपिक है आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब आपको ये मालूम है ये कंपनी ऐसी है कि ये अनलिस्टेड है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी जो इसका प्लेटफॉर्म है वहीं पे सारी कंपनी लिस्ट होती है। हाँ जी। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजन और द अदर दिस इज येट नॉट अवेलेबल इन द लिस्टेड मार्केट स्पेस। इसका IPO आएगा कभी ना कभी और ये लिस्ट हो जाएगा। बट वो कंपनी जो पूरी इंडस्ट्री को चला रही है आपके, वो अभी लिस्टेड नहीं है, एक ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको हर कंपनी को समझना चाहिए कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी ग्रोथ कहाँ पे अच्छी है, कौन कंपनी रियल प्रॉफिट्स बना रही है। okay. उस सेक्टर का या उस कंपनी का फ्यूचर मतलब क्या है, सारी चीजें सेम ही है, लिस्टेड एग्जैक्टली द सेम। एक और एडवांटेज मैं रादर बोलूंगा जो अनलिस्टेड के अंदर है कि अब जैसे नए नए सेक्टर्स आप देख रहे हैं जिनको हम लोग सनराइज सेक्टर्स कहते हैं, अब उसके अंदर आपका जो है ये EV वाला हो गया, आपका जो है ये ऑटोमोबाइल ऑटोमेशन का हो गया, उसके अंदर आपका डिफेंस के बारे में हो गया। तो अब यहाँ पे काफ़ी कंपनीज हैं जो, या कोई और ऐसा सेक्टर है
वो हल्के हल्के क्या होता है, कंपनी कोई भी जब होती है शुरू से वन डे वन से जनरली वो लिस्टेड एंटिटी नहीं होती है, दे स्टार्ट देयर लाइफ एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और फिर वहाँ से एक स्टेचर पे पहुँच के फिर वो अपना अपने आप को लिस्ट कराती है। अगर आपको एक सेक्टर का पूरा जूस लेना है या पूरा पोटेंशियल देखना है और अगर आपको अनलिस्टेड स्पेस में आफ्टर डूइंग प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस ऑफ कोर्स अगर आपको अच्छी कंपनी मिल रही है तो आप उसका पूरा जो है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग राइट। अब डिफेंस का अगर आप देखिए रिटेल पब्लिक के लिए क्या था, कुछ भी नहीं था। अभी कुछ दिन पहले ही एक 3-4 महीने पहले ही एक डिफेंस का NFO आया है जी, बट उसके पहले भी ये सेक्टर था और रिटेल पब्लिक चाह के भी वो उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। सो इतना ही मैं यहाँ पे कहूँगा क्योंकि अभी आगे और भी काफ़ी डिस्कशन करने हैं। अच्छा स्पेशल सिर्फ मैं रिस्क की बात करूँ तो ऐसा समझा जाता है कि इक्विटीज़ में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली रिस्क तो है ही जी, लेकिन ऐसा भी कुछ हैगा कि अनलिस्टेड में कुछ ज़्यादा है या कम है? सर देखिए फिर आंसर मेरा वही रहेगा, लिक्विडिटी। ओके क्योंकि लिस्टेड स्पेस में देखिए दोनों इक्विटी है, हाँ जी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अनलिस्टेड इक्विटी एंड लिस्टेड इक्विटी व्हेन इट कम्स टू द डेफिनेशन ऑफ बीइंग इक्विटी राइट। Both are ownership of a particular company. फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे आप जब चाहें, क्योंकि unlisted entities आपकी मासली इसके ना काफ़ी volumes हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा on a click of a button you can buy or sell. अगर मानिए आज किसी company का आपको अच्छा potential लग रहा है, आपने फ़ौरन ख़रीद ली, अगर आपको लग रहा है कि किसी कंपनी के साथ कुछ गलत होने वाला है या आपका एक्सपेक्टेशन या आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मीट हो गई है, आप उसको फॉरेन सेल कर सकते हैं। अनलिस्टेड में बस यही एक चीज है कि वो लिक्विड नहीं है, नहीं। इसी वजह से आपको एक डिस्काउंट मिलता है अनलिस्टेड स्पेस में। फिर मैं वही एग्जांपल दूंगा, एक BSE है स्टॉक एक्सचेंज जो लिस्टेड है, एक NSE एक स्टॉक एक्सचेंज है जो लिस्टेड है। एज पर डेटा विच आई सॉ यस्टरडे, BSE इज ट्रेडिंग एट अ 45 times PE और अगर मैं अनलिस्टेड स्पेस में अगर NSE के मैं यही PE कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो लगभग 22-23 के टाइम पे है। तो ये एक वैल्यूएशन गैप है, वो क्यों? क्योंकि BSE लिस्टेड है और NSE अनलिस्टेड है। तो अब एक रिटेल आदमी भी ले सकता है और मैं भी एक रिटेल निवेशक हूँ, मैंने भी कुछ अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है और अब बहुत सिंपल हो गया है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको अपना CML देना है, कैंसिल चेक देना है, पैन आधार KYC आपको पूरी करनी है और जो भी अरेंजर है विद इन फ्यू आवर्स और फ्यू डीमैट में आएंगे शेयर्स। सर ये सारे डीमैट में ही होते हैं, फिजिकल कुछ भी नहीं होता है, एवरीथिंग इज डीमटेरियलाइज्ड और आपके डीमैट में ये आ जाएंगे जब आपका ट्रेड होगा विद इन 24 hours to 48 hours आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं। सर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, IPO कब आएगा? सो इसका आप आंसर कैसे देना चाहेंगे? सर ये मैं क्या जवाब दूँ, ये तो ऊपर वाले ही जाने और जो कंपनी के हैं। देखिए हर कंपनी के अलग अलग लेवल्स होते हैं और अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। देखिए कुछ होता है कि एक पर्टिकुलर साइज पे पहुंच जाएं तब हम IPO लेके आएंगे एंड देयर माइट बी सर्टेन रेगुलेशंस बाय द रेगुलेटर कि आप इतने बड़े हो जाएं तो आपको अपना IPO लाना पड़ेगा। दूसरा एक ये होता है कि कुछ कंपनीज हैं कि मैं अनलिस्टेड ही रहना चाहती हूँ बिकॉज उनको जो भी फंड्स की ज़रूरत है एक्सपेंशन के लिए वो खुद ही अक्यूमुलेट करके अपने प्रॉफिट से वो खुद ही री इन्वेस्ट करके वो कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं और उनके कोई बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है एंड ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अनलिस्टेड इन टर्म्स ऑफ the compliances and the disclosures and blah blah. तो उसकी वजह से कुछ मैनेजमेंट ये डिसाइड करते हैं कि मैं अनलिस्टेड ही रहूँगा। अब फिलिप्स इतनी बड़ी कंपनी है, हाँ जी, आप ये देखेंगे बट इट इज स्टिल अनलिस्टेड कंपनी और उसके शेयर्स अनलिस्टेड साइड में अवेलेबल हैं। सो अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि कैसे लोग जो हैं अपना खुद डिसाइड करते हैं कि अभी नहीं, एक क्रिटिकल साइज पे या मुझे अभी ज़रूरत ही नहीं है। हाँ जी। दूसरा ऐसी भी होता है कि काफ़ी कंपनीज चाहती हैं कि या उनकी जो होल्डिंग कंपनीज हैं जो उसके अंदर है कि वो चाहती हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट अब उनका एक लेवल तक पहुंच गया है, वो एग्जिट करना चाहते हैं या फिर उनको फंड्स की ज़रूरत है फॉर फर्दर एक्सपेंशन जिसकी वजह से वो IPO में आते हैं। तो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग टाइम फ्रेम्स हो सकते हैं, बट मैं इतना जानता हूँ कि अगेन मैं NSE का एग्जाम्पल दूंगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर इफ़ माई कैलकुलेशंस आर राइट
without getting listed also in the last 20 odd years, I think so, it has grown by almost 18% CAGR every year. So what we need to see is whether this is a good company to invest or not. Ultimately, at some point of time, they might get listed, or tab shayad ek second leg of value unlocking. जो मैं वैल्यूएशन डिफरेंस या लिक्विडिटी डेफिसिट या लिक्विडिटी प्रीमियम की जो बात कर रहा था वो शायद एंजॉय करें, और जिसका एक वो वैल्यू अनलॉकिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। एक क्वेश्चन और है जो निवेशक बहुत पूछते हैं जी, फॉर एन एग्जांपल उन्होंने किसी अनलिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर लिया जी, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट रिडीम होगा जब IPO आएगा, या पहले भी अगर प्रॉफिट आ रहा है उनको तो रिडीम कर सकते हैं? रिडीम से मतलब सेल कह रहा था, कर सकते हैं। तो आप IPO से पहले अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स हैं आप कभी भी बेच सकते हैं। अच्छा, एक बार IPO लिस्ट हो गया आप उसके 6 महीने तक बाय लॉ आप उसको नहीं सेल कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ओके, सो बिफोर 6 months, माने आफ्टर 6 months आई एम से सॉरी ऑफ द IPO आप यू कैन नॉट सेल दैट पर्टिकुलर स्टॉक। आफ्टर 6 months यू कैन सेल इट, बट बिफोर द IPO यू कैन सेल इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। Obviously, buyer, seller, arranger. लेकिन मेरे को अगर profit आ रहा है और मैं बेचना चाहूँ तो आप कभी भी बेच, buyer भी है तो वो transaction हो जाएगा easily, और मेरा profit मेरे पास easily। देखिए हर चीज, फिर वही चीज आती है, easily नहीं होता है, नहीं होता है। हर एक unlisted stock की liquidity अलग है। जो companies बहुत strong हैं, बहुत अच्छे से grow कर रही हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा demand है, उसकी liquidity relatively higher होती है। और कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट ऐसी भी कुछ कंपनीज हाल फिलहाल आप लोगों ने देखी होंगी कि इतना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन हो गया था उनका अनलिस्टेड स्पेस में, पेपर्स में भी थी, तो वहाँ पे लिक्विडिटी जब कुछ अनाउंसमेंट हुए तो वहाँ पे लिक्विडिटी अब कोई चाह के भी नहीं बेच सकता है। सो ऑब्वियसली अगेन, जैसे एक लिस्टेड इक्विटी में आप इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही आपको अनलिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, बेसिस द फंडामेंटल्स, द फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, और दैट इज द मंत्रा। अब वो चाहे लिस्टेड इक्विटी हो चाहे अनलिस्टेड इक्विटी हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन टू अ गुड कंपनी विच हैज़ अ गुड फ्यूचर, वो आपको, और फिर मैं वही कहूँगा कि एक अच्छा सारथी होना जरूरी है, जरूरी है। तो देर शुड बी समबडी हु कैन एक्चुअली प्रोवाइड यू ऑल दिस डेटा एंड गिव यू दैट गाइडलाइन और गाइडेंस। लास्ट क्वेश्चन सर, हमारे साथ आप कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज शेयर कर सकते हैं अनलिस्टेड स्पेस की, कि पहले कितने थे, बाद में कितना रिटर्न बन गया उनमें, या IPO आने के बाद कितना पे लिस्ट हुई, और उसके बाद कुछ करंट अपॉर्चुनिटीज़ जो अभी अवेलेबल है मार्केट में? सर बहुत जो है वो दूर की बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप कल ही देखें हाँ, तो एक अनलिस्टेड कंपनी लिस्ट हुई है, उसका नाम था टाटा टेक्नोलॉजीज़। 70 गुना शायद उसका IPO जो है आपका वो हुआ था, ओवर सब्सक्राइब हुआ है, और मैंने चाह के भी मुझे उसका अलॉटमेंट नहीं मिल पाया। फॉर्चुनेटली आई हैड ऑलरेडी बॉट इट इन दी अनलिस्टेड स्पेसेस, बट मैंने जो IPO में अलॉटमेंट किया मेरा पूरा पैसा वापस आ गया, नहीं आया। तो लेकिन अगर आप देखिए तो 500 रुपये के ऊपर उसका आपका IPO प्राइस अनाउंस हुई थी। प्री IPO प्राइस IPO से कुछ दिन पहले 800 से 850 के बीच में चल रहा था। इसकी लिस्टिंग कल हुई है 1200 रुपये पे, और कल तक जो क्लोजिंग प्राइस था वो 313 रुपये के करीब था। 1300 तो अगर आप देखिए तो परसेंटेज ग्रेन अगर आप देखिए तो 64.12% के करीब जो है आपका लिस्टिंग गेन हुआ है, लिस्टिंग गेन हुआ है। ओके, और अनलिस्टेड प्राइस से, अनलिस्टेड प्राइस से जो 800 के करीब मैं आपको बता रहा था। ऐसे ही एक द्रोणाचार्य एरियल करके कंपनी थी, जिसका प्री IPO प्राइस लगभग 50 रुपीस का था, IPO आया 54 रुपीस पे, लिस्टिंग हुई 102 रुपये पे, और अभी करंट प्राइस एज ऑफ येस्टरडे इट वाज अराउंड 183 रुपीस। सो फ्रॉम दी अगेन अनलिस्टेड प्राइस टू नाउ इट इज़ अ 266% गेन। ऐसे ही आपके 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड था, जिसका 400 रुपये पे जो है प्री IPO प्राइस था, 474 के ऊपर इसका इशू प्राइस आया, लिस्टिंग प्राइस इसकी 449 थी, और अभी करंट प्राइस जो है 751 है। सो 87%+ आपकी रिटर्न है। बीकाजी फूड्स है, 280 पे आया था प्री IPO प्राइस, 300 पे इसका IPO आया, 300
22 रुपए पे इसकी लिस्टिंग हुई, आज 558 रुपीज का है, 558 रुपीज, ऑलमोस्ट 100% का गेन है सिंस दी प्री आईपीओ टाइम। कैम्स जो म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रार है, 1100 रुपए पे इसका शेयर अनलिस्टेड में मिल रहा था, अभी जो आपका आईपीओ आया था इसका 1230 रुपए पे आया था, लिस्टिंग 1420 रुपए पे हुई थी और आज लगभग 2800 रुपए पे है, सो लगभग 154% का एब्सोल्यूट गेन है। ऐसे ही आपकी और उज्जवल है, HDFC AMC है, SBI लाइफ है, ICICI लॉम्बार्ड है, जिनके अंदर ऐसे ही आपको गेन्स देखने को मिले। लेकिन फिर मैं बोलूं, देखिए ये सक्सेस स्टोरीज हैं, ये सक्सेस स्टोरीज इस वजह से हुई हैं क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग थे और ग्रोथ कंपनी की अच्छी थी और मैनेजमेंट कंपनी का अच्छा है। मैं फिर रिपीट करूँगा, अनलिस्टेड जब भी आप देख रहे हैं एक ज़रूर देखिए कि अनलिस्टेड के फंडामेंटल्स उस कंपनी के क्या है, सुनी सुनाई बातों पे इन्वेस्ट ना करें, उसके लिए आपको एक अच्छा सारथी ज़रूर चाहिए होगा। सर लास्ट क्वेश्चन है, करंट कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल हैं मार्केट में अनलिस्टेड स्पेस में, कुछ एक दो नाम आप बता पाए इन्वेस्टर्स को? NSE जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, लगभग 3250 के करीब आपकी अवेलेबल है, बहुत अच्छा प्ले है, बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है, चाहे किसी को बेचना हो, चाहे खरीदना हो, चाहे मंदी हो, चाहे तेजी हो, स्टॉक एक्सचेंज में तो आपका वॉल्यूम्स हो ही होंगे। इंडिया अगर आप देखिए, वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम्स ग्लोबली आपकी इंडिया में है, NSE का लगभग बहुत लाइन शेयर है, ऑलमोस्ट 80-90% बिजनेस कमांड करता है तो NSE में। ऐसे ही SBI AMC है, इंडिया की लार्जेस्ट AMC है, SBI से प्रमोटेड है, उसका भी स्टॉक अवेलेबल है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है और ऑब्वियसली ये एक PSU बैक्ड एंटिटी की ओनरशिप होने की वजह से उसके अंदर लोगों में ट्रस्ट भी बहुत अच्छा है और ऑब्वियसली परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और ये बाकी भी जो बिजनेसेस हैं जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के उसमें भी बहुत अच्छा कर रहा है। HDB फाइनेंशियल सी HDFC बैंक की कंपनी है जो बजाज फिनसर्व की तरह आपका जीरो कॉस्ट EMI पे काम करती है। जी सर। सो आजकल तो आपने देखा ही है, ये ट्रेंड है लोगों का कि जीरो कॉस्ट EMI का है, तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरीज ओवर देयर। ओके। और क्योंकि ये HDFC बैंक की कंपनी है, HDFC बैंक इज फेमस फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसेस, सो दिस सीम्स टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। ऐसी केयर हेल्थ केयर है, ये आपकी अच्छी हेल्थ केयर कंपनी है, वो है ऑर्बिस है, बीरा है, बीरा आपके बेवरेजेस बनाती है, उसके अलावा मोहन मेकिन है, स्टरलाइट पार है, ऐसे ही और आपके स्क्रीन पे अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं जो आप जिनको देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फराज सर, आज आप आए और काफ़ी अच्छे से लिस्टेड अनलिस्टेड आपने बताया। एंड टू ऑल इन्वेस्टर्स, देखिए जैसा कि फराज सर ने हमें एक्सप्लेन किया कि लिस्टेड और अनलिस्टेड में एक तरीके से कोई फर्क नहीं है, अगर आप इक्विटी पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं किसी भी कंपनी का, सिर्फ फर्क ये है लिक्विडिटी का, यानी कि एक चीज़ एक्सचेंज पर लिस्ट है और एक जो शेयर है वो एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है। लेकिन अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो शेयर प्राइस हो सकता है अनलिस्टेड में ही आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे पाए। और उसके बाद उन्होंने जिक्र किया सारथी का, एक अच्छा सारथी होना जरूरी है, जैसे कि हम सेंटिसिटी प्रोवाइड्स यू ऑल सपोर्ट फैक्ट्स एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल टू ट्रांजेक्ट इन अनलिस्टेड एंड लिस्टेड स्पेस। तो हमारे तो आप लिस्टेड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अनलिस्टेड स्पेस में भी आप सेंटिसिटी के साथ। अनुज जी, मैं हमेशा आपको बीच में क्लोज करते हुए रोकता हूँ, तो आज भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। नहीं सर, प्लीज। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, ये पहला इक्विटी है और ये अनलिस्टेड इक्विटी है। हाँ जी। तो अगर ये कोई सोच रहा है कि मैं महीने भर के लिए या 15 दिन के लिए इन्वेस्ट करके पैसा बना लूंगा, ये सोच के कतई मत आइएगा इसमें। आप इसके अंदर 5 ईयर प्लस होराइजन बेयर मिनिमम सजेस्टेड है, उसके पहले आपको प्रॉफिट मिल जाए और आप एग्जिट आपको ऑप्शन मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको आप लंबे समय के लिए ही अपना इसको निवेश करिए, बिकॉज अल्टीमेटली एक ही डिफरेंस है लिक्विडिटी का, बट वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, हो जाता है। ठीक है, सो आई थिंक सब एक्सप्लेन कर ही दिया है फराज सर, दिस नो नीड टू एक्सप्लेन इट फर्दर। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज वीडियो में बने रहने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सर। थैंक यू।